सोनेगांव पुलिस थाना अंतर्गत अमीर बनने का सपना दिखाकर एक कंपनी द्वारा लाखों रुपए का चूना लगाकर फंसाने का मामला सामने आया है। ये मामला पुणे की सात ड्रीम्स मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का है। इस कंपनी ने राज्य के अलग अलग इलाकों में सेमिनार आयोजित कर अमीर बनने का सपना दिखाया और लोगों को पैसा निवेश करवाया। इस संदर्भ में पुलिस निरीक्षक दिलीप सागर ने अधिक जानकारी साझा की। नागपुर में भी कंपनी के संचालकों ने सेमिनार लिए और लोगों को 24 माह में दोगुना मुनाफा कमा कर देने का लालच दिया, लेकिन किसी को फायदा तो दूर निवेश की गई रकम भी वापस नहीं मिली। सोनेगांव पुलिस ने झंडा चौक सोमलवाड़ा निवासी आनंदराव संपतराव रगटाटे की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। आरोपियों में कंपनी के संचालक पुणे के निवासी संदीप मनोहर पाकुल, कल्पना महापाकुल, संतोष चपान, अधिकारी राजेंद्र जाधव और चंद्रपुर निवासी सुभाष खोखरी का समावेश है। कंपनी मूलतः पुणे की है और इसका मुख्यालय चिंचवड़ गणेशम फेज टू में है। दिसंबर 2017 में कंपनी के संचालक और पदाधिकारियों ने नागपुर में सेमिनार आयोजित किया और बताया कि संस्थान द्वारा विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिक उत्पादन बेचने की जानकारी दी। काल आमच्याकडे एक तक्रार आलेली आहे, आनंदराव संपतराव रगटाटे राहणारा झेंडा चौक सोमलवाडा हे प्रायव्हेट ड्रायव्हरचा जॉब करतात। त्यांच्याकडे त्यांच्या कमाईचे आणि शेतीबाडी त्यांनी विकले असं सांगतात। त्या विक्रीचे पैसे आले होते, तर ते आलेले पैसे त्यांचे एक ओळखीचा होते सुभाष घोगरे नावाचे सर, तर त्यांच्या मार्फतीने त्यांनी सांगितलं की सेवन ड्रीम पुण्याची एक कंपनी आहे, त्या कंपनीमध्ये पैसे गुंतवले तर त्याचं लवकर डबल 24 महिन्यामध्ये त्याचे डबल पैसे मिळतात। ह्या अनुषंगाने त्या आमिषाला बळ त्यांना हे देऊन त्यांच्याकडून एकूण 17 लाख रुपये हे केले आणि त्यांच्यासोबतच इतर काही इसम आहेत त्यांच्याकडूनसुद्धा असे पैसे हे करून त्याने 47 लाख रुपये त्याच्यामध्ये गुंतवले आणि त्याचा परतावा देतो असं सांगून त्यांना काही रक्कम परतही केली आणि परत रक्कम करून बऱ्याच लोकांकडून पैसा गुंतवला। आमच्याकडे एकूण 5 लोकांचे नाव आलेलं आहे, त्या 5 लोकांकडून 47 लाख रुपये त्यांनी गुंतवणूक म्हणजे नावाखाली त्यांनी घेतलेलं आहे। त्या अनुषंगाने काल आम्ही पोलीस स्टेशन सोनेगाव या ठिकाणी कलम 420, 406, 409, 120/10 आणि MPID कलम 3 नुसार गुन्हा दाखल केलेला आहे। सदर आरोपी हे बाहेरगावी राहणारे आहेत, त्या अनुषंगाने आम्ही त्या तपास करत आहोत। लोगों को बताया गया कि नौकरी से केवल जरूरतें पूरी की जा सकती है, लेकिन सपने पूरे करने के लिए व्यापार करना जरूरी है। कंपनी में पैसा निवेश करने के साथ सदस्य भी बनाने होंगे। आनंद राव के साथ उनके रिश्तेदारों ने भी कंपनी में लगभग 28 लाख रुपए निवेश कर दिए। 2 वर्ष बीत गए और जब रकम वापस देने की बात आई तो कंपनी के संचालक गायब हो गए। पहले तो पदाधिकारियों द्वारा टाल मटोल की गई, लेकिन बाद में फोन उठाने भी बंद कर दिए गए। परेशान लोगों ने प्रकरण की शिकायत पुलिस से की। सोनेगांव पुलिस ने धोखाधड़ी और MPID एक्ट की विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरी के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।